अगर तो आप एक्स ये एक्स नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने कन्वर्ट किया फेसबुक में, और आज हमने बताएंगे कि हमने इसमें कौन कौन सी चीजें तब्दील की हैं, कौन कौन सी चीजें डालवाई हैं, और कितने पैसे हमारे लग गए हैं, और कितनी देर में ये गाड़ी तैयार हुई है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप गाड़ी से किराए पर लेना चाहते हैं, घंटे घर का नंबर स्क्रीन के ऊपर आप उसमें रब्ता कर कोई भी गाड़ी नहीं। तो चले अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या क्या हमें तब्दीली की है। चले हम शुरू करते हैं, क्या आपको बता दें कौन कौन सी चीजें तब्दील करवाई है। उसकी हेडलाइट्स तब्दील करवाई है, इसके साथ इसकी ग्रिल भी तब्दील की गई है, इसमें बम्पर को एक्स में आता है वो डलवाया गया है, और ये सारा आपको साइड पर बैठक की ये भी हमने आफ्टर मार्केट लगवा दी है। ये रिम देख रहे हैं, ये रिम भी हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बैक पर चलें तो बैक पर हम जो तब्दील करवाई है उसमें हमने ये स्पॉइलर लगवाया, इसकी बैक लाइट चेंज की है। क्रोला अल्टस, ये अल्टस हमने अलहदा से लगवाया है, और ये 1.6X भी हमने अलहदा से लगवाया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं बाइक पर भी आपको ये बम्पर चेंज दिख रहा होगा, ये भी हमने बाद में लगवाया। देख सकते हैं ये ऐसा कोई मजाक नहीं हमने रखा होगा, क्योंकि अल्टा था उसमें तो यहाँ से ओपन हो जाती है। ये पुराना मॉडल 2016 मॉडल है, और ये GLI 1.6 अल्टस नहीं है। आए आपको दिखाता हूँ ये निकलती क्यों थी गाड़ी है, यहाँ तो आपको दिख रही होगी कि सेम वैसी की वैसी है, वैसे नहीं लगना सही पता था इसका यहाँ से चलता आए ना मजे। और भाई जान एक्सएल लाई जे, ये एक्सएल लाई को हमने एक्स में कन्वर्ट किया, वो भी 1.6X में, अल्टस एक्स में। और कोई बता नहीं सकता कि ये एक्स नहीं है, क्योंकि बाहर से बाजार ये 1.6X ही लगती है, मतलब एक्स शेप जो सी आई है इसकी वही लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक्सएल लाई है। इसमें ये देख सकते हैं ये भी हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं पावर मिरर के कंट्रोल्स, क्योंकि आपको जैसे पता है कि XLI में ये चीजें नहीं आती, वो GLI में आती। सीट वैसे मैनुअल है, जैसे बाकी हमने अंदर से कोई इतना चेंज नहीं करवाया, अंदर से हमारी गाड़ी जैसी ओरिजिनल थी वैसी की वैसी ही है। तो हमने इंटीरियर चेंज करवाया वो याद। अब उनकी चलते प्राइस की तरफ, गाड़ी बात है जिसने चेंज करवाने उसे पैसे भी देने फ्री तो चेंज होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए हमारा लगता है उस गाड़ी को इस कन्वर्ट में करने में, ठीक है। तो इसमें हमने कई चीजें यूजेबल भी लगाई है, सारी चीजें हमने नहीं लगाई, कुछ री यूजेबल भी है ठीक है, और कुछ नहीं, तो हमने ये चीजें चेंज करवाई है। बाकी तो बता रही है ये देखते हैं मीटर वही वाला है, ये स्क्रीन वगैरह ये देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि अल्टस एक्स है उसके यहाँ एसी वन गोल्ड होते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं पुराने हैं। हमने जो चीजें तब्दील करवाई हैं वो हमने बाहर से चेंज करवाई हैं, अंदर से हमने कोई तब्दील नहीं करवाई, गाड़ी अंदर से ओरिजिनल की ओरिजिनल हालत में है। बाहर से जो भी देखेगा वो ये यही कहेगा 1600 CC गड्डी लाके जा रहे नवे मॉडल की 2023, पुतले नु की पता अंदर बह पुत्र तेन पता लगे एक्सएल लाइए एक्स तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है हमने अपने मजे के लिए बनाई ही है। वैसे भी टोयोटा की गाड़ियां थोड़ा सा पैसा लगाए तो आप नए मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं आप पुराना डाला लेके उसको नए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चंद पैसे आपके लगते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और गाड़ी आपकी तब्दील हो जाती है नए मॉडल में। दोस्तों ये था हमारी आज की एक वीडियो जिसमें हमने बताया कि एक क्रोला ओल्ड मॉडल को न्यू मॉडल में करने में कितने पैसे लगते हैं, कौन कौन सी चीजें तब्दील बाहर से करवाएं तो आप नए मॉडल की गाड़ी में मजे ले सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाड़ी किराए पर लेना चाहते हैं चिनार रेंट कार का नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर अपना गाड़ी कोई भी गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह।